डॉक्टर साहब आप ही हैं का? अच्छा और कोई यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा है? अरे नहीं नहीं, हमको लगा सूट बूट में आप दावत खाने आए हैं। ऐसा है, यहाँ आए हो तो शुद्ध इलाज करा लो, वरना दे देंगे जहर का इंजेक्शन, कोई पता नहीं लगा पाएगा कहाँ पर चले गए हो, समझे? आए हो तो शुद्ध बैठ लो। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, हम एक महीना से बहुत परेशान हैं, हमारे बहुते पेचिस आ रही हैं, इतनी कि बस झुकते हैं कि पिचकारी छूट जाती है, और अभी भी देखो गीली होगी, चाहे तो छू के देखो, देखो देखो देखो। तुम्हारे जाने के बाद ये सीट वीट सब धुलवाई जाएगी, समझे कि नहीं सुअर साला? अरे डॉक्टर साहब, इस पेचिस के कारण हमारी बहुत बदनामी होती है, कोई भी हमें अपने पास खड़े नहीं होने देता है, और ये तो ठीक है, लेकिन लोगों ने हमारा नाम बदबू रख दिया है, और ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने हमारा नाम छोटा बदबू रखा है और हमारे बड़े भाई का नाम बड़ा बदबू रख दिया है। डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, कीजिए कुछ। अरे हाँ, उतनी देर से कहें कि यहाँ पर बदबू कहाँ से आ रही है? अरे ये महाराज इतनी देर से बैठे थे इसीलिए बदबू आ रही थी, तो मोहल्ले वालों ने तुम्हारा नाम सही तो रखा है, छोटा बदबू। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार तो हम भी चिरक दिए थे लेकिन हम बहुत छोटे थे, और हम जब चिरके थे तो हमारे पास बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी, सब मुझसे दूर भाग गए, आज भी नहीं नजदीक आती, देखती तक नहीं है। आप किस क्लास में थे? अरे हम बीए में। मतलब तुम तो बड़े थे। हाँ डॉक्टर साहब, तो छिड़कने में क्या जाता है, छिड़कना है हम छिड़क दिए। डॉक्टर साहब आप हमारा इलाज कर रहे हैं कि आप यहाँ पेचिस की मंडली खोल रहे हैं? तो फिर पेचिस हो कैसे रही है? अरे डॉक्टर साहब, पेचिस बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ हो रही है, हमें अपने पास से जोर तो लगाना ही नहीं पड़ता है, बस जैसे बैठते हैं सब निकल जाता है। चाहे तो आप अभी चेक कर सकते हैं, आइए चलिए हमारे साथ दिखाते हैं। सुअर साला। बस मुझसे बताइए आपका लैटरिन कितना पतला हो रहा है? अरे डॉक्टर साहब, अत्ता पतरा हो रहा है, अत्ता पतरा हो रहा है कि आप उसे खुला कर लेंगे। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब खुद ही सुअर बन गए।